हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकमेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है 2022 को, उसके रीजनिंग के पार्ट, यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशंस के ऊपर। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अभी जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो आने वाले एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि पहला क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ब्लड रिलेशंस का जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो ये याद रखोगे, मेल कैंडिडेट अगर होगा तो उसके लिए हम लोग इंडिकेट करेंगे प्लस का, एंड देन फीमेल कैंडिडेट होगा तो उसके लिए हम लोग इंडिकेट करेंगे माइनस के लिए। ठीक है, और अगर हस्बैंड वाइफ होगा तो हम लोग एच डब्ल्यू से हम लोग इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो और एक बात याद रखोगे, जनरेशन। अब ये हो गया, मान लो अगर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, तो ये अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर ये हो गया ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, यहाँ पे इसके नीचे कौन आएगा, ये हो गया फादर देन मदर, है ना। इसके नीचे ये ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स जितने भी आएंगे सब यहीं पर आ जाएंगे, अंकल्स वाले सब इधर आ जाएंगे, है ना। तो इसके नीचे अगर यदि आएंगे तो फिर कौन आएगा, अब ये हो जाएगा, आप इसके लिए अगर देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा, है ना, ग्रैंड डॉटर। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म करेंगे यानी बनाएंगे, और इस क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आए तो आपको स्टार्ट करना है डायरेक्ट यहाँ से। यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ये ए एंड देन ये बोला है ब्रदर है, यानी ब्रदर मीन्स अभी हो गया मेल, तो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, और एक बात, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे ब्लड रिलेशंस का, अगर आपका जेंडर नहीं पता चला, ठीक है, कि प्लस है ना माइनस है, अगर पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है ना फीमेल है, तो उस कंडीशन में हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ये भी याद रखोगे, या फिर आप ऑप्शंस के थ्रू हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है ऑप्शंस, वैसे हम लोग निकालेंगे, अदरवाइज़ हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड देन बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, तो बी क्या है, सिस्टर यानी फीमेल है, तो बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ क्या, एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, तो सी क्या है, फादर है, यानी हो गया मेल, किसका, डी का, तो डी कहाँ आएगा, ये फादर है तो ऊपर होगा, जेंडर मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी, तो डी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे, अब आपको पता चला क्या, डी का जेंडर क्या है, प्लस है ना माइनस है, ये मेल है ना फीमेल है, नहीं पता चला। ठीक है, अब पूछ कह रहा है कि हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए, यानी डी को कैसे रिलेट करेंगे ए के साथ, तो डी को रिलेट कैसे करेंगे ए के साथ। अब डी क्या हो सकता है, ये इसका क्या है, अब ये तो हमें पता नहीं चला कि ये डॉटर है ना सन है, बट ये पता चला कि ये इसका फादर है, और ये फादर का क्या है, सिस्टर, और ये क्या है, इसका ब्रदर है, यानी अब ये क्या कहलाएगा, अब ये होगा आपका नीस या नेफ्यू होगा, बट अब ये ऑप्शंस में देखते हैं नीस या नेफ्यू, तो नेफ्यू दिया हुआ है, बट ये नीस भी तो हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम लोग आंसर क्या करेंगे, सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमें पता नहीं चलेगा। अगर हाँ, इसी क्वेश्चंस का आंसर अगर ऑप्शंस में आता आइदर नेफ्यू और नीस, तो आंसर हम लोग क्या करते, आइदर वाले कंडीशन में जाते, नेफ्यू या नीस, तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा अभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के थ्रू सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज इसका हम लोग का जेंडर नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड देन ए माइनस बी ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी और ए इन टू मीन्स दे दिया हुआ है ए इज़ द फादर ऑफ बी, देन आपसे पूछ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज़ द सन ऑफ एम, और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आ जाए तो आपको करना क्या है, फाइंड क्या करना, पहले ये देखोगे, तो सी इज़ द सन ऑफ एम, तो बना लोगे इसको आप, सी जो होगा सन होगा किसका, एम का, यानी इस तरह से, है ना, तो सी इज़ द सन ऑफ एम। ठीक है, बट आपको यहाँ देखोगे एम का जेंडर ये पता नहीं चल रहा है कि ये मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, बट सी का आपको पता चल चुका है कि ये मेल होगा, है ना, सन है यानी मेल है। तो इस तरह का ऑप्शंस में आप देखोगे कि सी, ये चार ऑप्शंस है कि सी अगर मेल जहाँ होगा वहीं हो सकता है, अदरवाइज हमारा ये नहीं होगा, अगर मेल अगर फीमेल आ जाए तो ये होने वाला चांस नहीं है। तो ठीक है, तो देखते हैं एक बार हम लोग, तो इस क्वेश्चंस को अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, तो पहले सबसे पहले यहाँ देखते हैं सी कहाँ है, तो सी आपको दिख रहा है यहाँ पे,
तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इनटू मींस क्या है। इनटू का मतलब है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, यानी पहला वाला जो होगा एफ जो होगा क्या फादर होगा किसका, सी का। तो सी का आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में है, इसके आगे और कुछ है नहीं, तो ये ऑप्शंस तो ऐसे गया। अब बचा आपके पास तीन ऑप्शंस, 1, 2 एंड देन 3। अब ये तीनों ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। करना कैसे होता है, इस तरह क्वेश्चंस को इधर से स्टार्ट नहीं करते, इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो अब ये m माइनस n, तो माइनस कहाँ है, ये रहा माइनस, क्या दिया हुआ है, पहला वाला जो है यानी फर्स्ट, ये क्या है सिस्टर है किसका, सेकेंड का, तो ये होगा क्या, सिस्टर होगा किसका, n का, यानी यहाँ पे हम लोग करेंगे m जो होगा वो सिस्टर होगा किसका, n का, ठीक है। एंड देन इनटू, अब ये इनटू का मीन्स क्या है, इनटू मतलब है कि ये जो पहला वाला जो होगा वो होगा फादर होगा किसका, नेक्स्ट वाले का, तो यहाँ पे देखोगे ये इनटू है, तो यानी n क्या होगा, n इज़ द फादर ऑफ c, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब ये प्लस का मीनिंग क्या है, तो प्लस का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, ब्रदर होगा किसका, सेकेंड वाले का, यानी ये जो होगा ब्रदर होगा किसका, एफ का, ठीक है। अब यहाँ देखोगे कि सी किसका फादर, सी सन होना पड़ेगा किसका, एम का, बट यहाँ पे सी सन है बट किसका है, एन का है ना, तो ये ऑप्शंस तो गया, क्लियर। इस तरह का आपको मिला, नहीं मिला है ना, क्योंकि ये सन हो रहा है ठीक है, बट किसका है, एन का है, और एन का ये क्या है, सिस्टर है, तो ये तो ऑप्शंस होने वाला है नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक करते हैं, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है इनटू है, यानी इनटू क्या है, ये फादर है, यानी एम इज़ द फादर ऑफ एन इज, एम इज़ द फादर ऑफ एन इज़ द फादर ऑफ एन, ठीक है, एन नीचे आ जाएगा। एंड देन माइनस सी, तो माइनस का मीनिंग क्या था, ये था सिस्टर, यानी एन जो होगा सिस्टर होगा, एन इज़ द सिस्टर ऑफ किसका, सी का। एंड ये प्लस का मीनिंग क्या था, प्लस मीन्स ब्रदर, यानी हो गया सी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ। अब यहाँ देखोगे, अब ये जो तीनों हैं, अब ये तीनों के ये कौन है, फादर है। तो अब ये क्वेश्चंस में देखोगे, अब ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पूछ रहा, बोल रहा था आपका कि सी सन होना पड़ेगा एम का, अब यहाँ देखो कि सी सन है किसका, एम का, तो ये ऑप्शंस आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। तो अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना क्या है, एक स्टेप पढ़ना है और डायरेक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, तो ये हो गया आपका एक्स एंड देन ये हो गया वाई, एक ही लाइन में होंगे दोनों, प्लस होगा क्योंकि दोनों ही क्या बोला हुआ है, ब्रदर्स है, ठीक है ना। एंड देन नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है क्या, बी इज़ द डॉटर ऑफ ए। अब बी इज़ द डॉटर ऑफ ए बोला, अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि अब इसके साथ कनेक्ट कैसे करें, तो साइड में लिख के हम लोग छोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे, तो बी क्या है, डॉटर है किसका, यानी ये हो गया फीमेल किसका, ए का, तो ए ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ए हो सकता है, मदर भी हो सकता है, फादर भी, हमें हमको पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है क्या कि ए इज़ द वाइफ ऑफ वाई। हाँ, अब ये बोल दिया कि ए जो होगा वाइफ है किसका, वाई का, तो ये हो गया हस्बैंड वाइफ, एच डब्ल्यू ऐसे लिख देंगे। तो अब ये बी कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, ये हो गया माइनस, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अब इस पूछ कह रहा है आपसे, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बी टू एक्स, तो ये बी क्या कहलाएगा, एक्स का, ठीक है। तो ये अब ये बी जो है, अब ये बी का तो जेंडर पता चल रहा है आपका, फीमेल है ना। तो अब ये बी का ये क्या है, ये मदर एंड देन ये फादर, और ये फादर का ये क्या है, ब्रदर, ठीक है। तो अब ये फादर का ब्रदर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा आप किसका, अब ये नीस या नेफ्यू, तो बट यहाँ पे जेंडर देखोगे क्या दिया हुआ है, नेगेटिव है, यानी आपका फीमेल है, तो फीमेल हो गया तो क्या हो गया आपका, नीस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नीस, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या कि दीपक हैज़ अ ब्रदर अनिल, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप पढ़ेंगे बनाएंगे, यानी दीपक हो गया, ये हो गया आपका दीपक, ठीक है। दीपक क्या है, ब्रदर है किसका, अनिल का, ठीक है, ये हो गया आपका अनिल। नेक्स्ट, दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, तो अब दीपक सन है किसका, प्रेम का, तो ये हो गया आपका, इसके ऊपर हो गया आपका प्रेम, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बीमल इज द प्रेम्स फादर, तो ये हो गया आपका, इसके ऊपर फिर कौन आ जाएगा, बीमल है ना,
क्लियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ इज अनिल रिलेटेड टू बीमल, तो अनिल रिलेटेड टू बीमल। अच्छा हाँ, और एक बात, अब ये अनिल, ये नेम देखोगे यहाँ अनिल दिया हुआ है, बीमल है, ये अनिल भी क्या होगा, जेंडर ही होगा, यानी जेंडर आपका कैसा जेंडर होगा, तो अब ये हो गया मेल है ना, क्योंकि ये फीमेल तो होगा नहीं, क्योंकि नाम अनिल का नाम जो होगा वो मेल का ही होगा, तो अनिल क्या है यहाँ पे, मेल है, ठीक है। तो अब ये अनिल, अब इसका क्या कहलाएगा, तो अनिल और ये दीपक का ये कौन है, फादर है ना, तो अब इसका ये फिर कौन है, ये अगेन ये फादर है, तो अब ये क्या हो गया, अब इसके लिए तो सन है बट इसके लिए क्या होगा, ग्रैंडसन हो गया, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ग्रैंडसन, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए इज डीज ब्रदर, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ए इज डीज ब्रदर, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए, अब ये ब्रदर है किसका, डीज का, तो ये हो गया आपका ब्रदर, ये किसका, डी का, ठीक है, ए इज डीज ब्रदर। एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि डी इज बीज फादर, जो डी जो होगा वो बी का फादर है ना, तो डी क्या हो गया, फादर हो गया किसका, बी का, तो बी कहाँ आएगा, इसके नीचे, ये हो गया आपका बी। एंड देन अगेन क्या बोल रहा है, बी एंड सी आर सिस्टर, तो अब ये हो गया बी और सी क्या है, दोनों सिस्टर, यानी दोनों का जेंडर पता चल रहा आपको फीमेल है, यानी माइनस दे देंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, अब ये जो सी है अब ये रिलेटेड कैसे होगा ए के साथ, ठीक, तो अब ये डी, डी का ये दोनों क्या है, ये दोनों डॉटर है ना, तो अब ये सी क्या कहलाएगा, अब ये डी का ए क्या है, डी का ए क्या है, ये आपका ब्रदर है, ठीक है, तो अब ये जो है नीचे वाला, अब ये इसको ऊपर से अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो ये क्या हो गया, अब ये तो ये भतीजी कहलाएगी, अब इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, नीज बोलेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नीज। अगर यहीं पर अगर ये, अगर सपोज़ अगर ये प्लस होता यानी मेल होता सपोज़, तब ये आंसर क्या हो जाता, नेफी हो जाता, बट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका नीज, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या कि पी, ये आपका डॉलर का सिंबल दिया हुआ है, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एंड देन ये हैशटैग का यानी हैश का सिंबल दिया हुआ है, अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, मदर है सेकेंड का, ठीक है, नेक्स्ट स्टार का मीनिंग है फर्स्ट वाला जो है डॉटर है किसका, सेकेंड वाले का, तो आपसे पूछ क्या रहा है, इफ़ द कोड ऑफ द फैमिली इज, अब ये आपका ये एक रिलेशन दिया हुआ है, अब इसमें पूछ क्या रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ, हु इज़ द फादर इन देम, ठीक है, इसमें फादर कौन होगा, ठीक है, तो इस फैमिली में फादर कौन होगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाएंगे, बनाने का कहाँ से मैंने बताया था आपको, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट क्या है, यानी हैश टैग, यानी अब ये हैश देखोगे कहाँ, ये है, तो फर्स्ट वाला क्या है, मदर है किसका, सेकेंड का, तो ये हो गया ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। एंड देन अब ये डॉलर का सिंबल क्या है, डॉलर का सिंबल बोल रहा है आपका कि फर्स्ट वाला जो होगा ब्रदर होगा किसका, सेकंड का, यानी बी जो होगा ब्रदर होगा किसका, सेकंड वाले का यानी सी का, तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टार, तो स्टार का मीनिंग दिया हुआ है ये डॉटर होगा किसका, फर्स्ट वाला डॉटर होगा सेकेंड का, तो सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो ये अब डॉटर मीन्स आपका जेंडर पता चल रहा है सी का, फीमेल है ना, तो ये हो गया, अब डी कहाँ होगा इसके ऊपर, तो अब ये देखोगे, अब ये दोनों जो क्या है, अब ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये ब्रदर सिस्टर है, अब ये इसका मदर है, तो ये क्या होगा, अब ये इसका फादर ही होगा, तो ये हो गया आपका मेल, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ, तो ये पूरा फैमिली कंप्लीट हो गया, ये फादर एंड देन ये मदर और ये ब्रदर हो गया, और ये हो गया आपका सिस्टर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु इज़ द फादर इन देम, तो ये हो गया आपका डी इज़ द फादर, ठीक है, फादर ऑफ द फैमिली, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज मैंने ब्लड रिलेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो एग्जाम्स होने वाला है 2022 में, तो ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।